इलम यूनिवर्सिटी हालांकि 2015 में डिसॉल्व कर दी गई थी, मतलब यूनिवर्सिटी का अस्तित्व ही बिल्कुल बंद कर दिया गया कि यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। हालांकि ऑर्डर क्या बोलता है उस ऑर्डर पर हम कभी एक वीडियो लेकर आएंगे कि इलम के अगेंस्ट में क्या ऑर्डर आया था, बट आज की बात है कि इलम यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया गया। दोस्तों इलम यूनिवर्सिटी जो कि सिक्किम में यूनिवर्सिटी पहले एस्टैब्लिश थी, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया गया था 2015 में। उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी आज भी स्थित है। यूनिवर्सिटी में आज भी अगर आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके आप चेक करते हो तो वहां पर आपको डिटेल्स देखने को मिलेगी। इलम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ, स्कैम सामने आया, यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया गया। हमने सीएमजे यूनिवर्सिटी पर भी पहले वीडियो बनाई है और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज पर वीडियो बनाई है जहां से ये सब चीजें आगे बढ़ी। इलम यूनिवर्सिटी जो अब चलती है, यूनिवर्सिटी का नाम बदल गया है सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी। मैं क्यों बोल रहा हूं कि इलम यूनिवर्सिटी अब सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी बन गई है, आप जब इनकी वेबसाइट पर जाते हो सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी की, जो कि sikkimalpineuniversity.edu.in है, यहां आपको डिटेल्स देखने को मिलती है और साथ में यूजीसी पर भी अपडेट देखने को मिलता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि इलम यूनिवर्सिटी क्या आज भी एग्जिस्ट करती है, क्या हुआ उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने कंप्लीट किया था कोई भी कोर्स इस इलम यूनिवर्सिटी से, या फिर कैसे सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी से आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा पाओगे, या फिर ये दोनों एक ही है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसी बहुत सारी आज डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए इलम यूनिवर्सिटी और सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हमेशा से ही हम कोशिश करते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से कि आप तक पूरी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। हम चाहते हैं कि आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मिलना बहुत जरूरी है। अगर आपकी एजुकेशन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो जो आप ही स्टूडेंट जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य भी खुद दांव पर लग सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके, हमें प्रोत्साहन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लेकर आने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो दोस्तों हम बात करते हैं इलम यूनिवर्सिटी के बारे में। इलम यूनिवर्सिटी हालांकि 2015 में डिसॉल्व कर दी गई थी, मतलब यूनिवर्सिटी का अस्तित्व ही बिल्कुल बंद कर दिया गया कि यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। हालांकि ऑर्डर क्या बोलता है उस ऑर्डर पर हम कभी एक वीडियो लेकर आएंगे कि इलम के अगेंस्ट में क्या ऑर्डर आया था, बट आज की बात है कि इलम यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया गया और उसके बारे में आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर भी। जब आप जाते हैं यूजीसी की वेबसाइट पर, आपने डाला ugc.ac.in, वहां पर जाने के बाद में यूनिवर्सिटीज का टैब होगा। यूनिवर्सिटीज का टैब आप जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा होगा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर आप क्लिक करते हैं तो वहां सभी स्टेट, जितने भी स्टेटों में जो जो यूनिवर्सिटीज है प्राइवेट, पूरा एक बॉक्स में सबके नाम डाले हैं। वहां सिक्किम पर जाकर आपको क्लिक करना है और जैसे आप सिक्किम पर जाकर क्लिक करते हैं टोटल वहां पर 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम आते हैं सामने। इन 8 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से कहीं पर भी आपको इलम यूनिवर्सिटी का नाम नजर आएगा नहीं कि इलम यूनिवर्सिटी आज भी एग्जिस्ट करती है। इलम यूनिवर्सिटी 2006 में यूनिवर्सिटी ये बनी थी, अभी इसका यूजीसी पर कोई अस्तित्व नहीं है। अपने हिंदुस्तान में सभी यूनिवर्सिटीज को यूजीसी रेगुलेट करता है। सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं सेक्शन 2F के तहत, जो बोलता है यूजीसी एक्ट 1956। पर यहाँ पर जो टोटल 8 यूनिवर्सिटीज के बारे में जिक्र किया गया है, टोटल तीसरे नंबर पर आप जब जाएंगे, थर्ड नंबर पर सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल्स मेंशन है। 28/8/2021 में यूनिवर्सिटी ये अस्तित्व में आई है और फॉर्मली इलम यूनिवर्सिटी, फॉर्मली का मतलब ये हुआ जो पीछे से यूनिवर्सिटी आगे आई, मतलब जो आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ वो इलम यूनिवर्सिटी को ही सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी बना दिया गया। sikkimalpineuniversity.edu.in यहाँ पर डिटेल्स हैं। आप कोई भी इलम यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई आप करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करना, तो अब आपको सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी को ही कॉन्टेक्ट करना होगा।
कोई भी किसी भी तरह की सपोर्ट आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट निकलवाने में, वेरीफाई करवाने में, वेस्ट करवाने में, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ रही हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को छोड़ें या हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। जैसे ही यूजीसी पर जाकर मोर इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक करते हैं सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी के बारे में, फॉर्मली इल्म यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर वीसी साहब की डिटेल्स हैं, डॉक्टर एच एल सक्सेना, उनकी मेल आईडी भी डली है और उनका फोन नंबर भी यहाँ मेंशन है। रजिस्ट्रार की बात करें यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर एच के राजपूत और साथ में उनकी मेल आईडी और फोन नंबर भी मेंशन है। आप किसी भी तरह की डिटेल्स आप चाहते हैं सीधा इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बट इल्म यूनिवर्सिटी की हम बात करें, ilmuniversity.co.in अभी तक ये वेबसाइट एग्जिस्ट है, अभी तक भी ये वेबसाइट चल रही है। जब यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व कर दिया गया तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आज तक भी एग्जिस्ट कैसे है? कोई भी रिकॉर्ड अगर यहां से आप वेरीफाई आप कर रहे हैं अपना, तो मेरा मानना है उसको आप वेरिफिकेशन ना माने बिल्कुल भी। आरटीए लगाएं, अपने सवाल को पूछें, यूजीसी से पूछें कि यूनिवर्सिटी क्या अब ये सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी बन चुकी है। हालांकि हम बहुत जल्दी ही यूजीसी को भी एक आरटीआई भेजेंगे, साथ में इस सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी को भी, और उस आरटीआई के थ्रू क्या रिप्लाई आएगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बट अभी फिलहाल इस वेबसाइट का कोई अस्तित्व नहीं है, ilmuniversity.co.in। अभी अगर आपको इलम यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी जानना है तो सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी.edu.in को ही आपको जाकर अप्रोच करना होगा। यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर आप डिटेल देखेंगे, यहाँ पर इलम यूनिवर्सिटी जो है स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, जो लेजिस्लेचर ऑफ गवर्नमेंट, जो सिक्किम की जो गवर्नमेंट है उसने एक्ट पास किया, जो कि एक्ट नंबर 4 2006 में, साथ में जो एक लेटर आया डिसॉल्व का, जो लेटर 2015 का आया, उसमें सब डिटेल्स मेंशन है कि यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व क्यों किया गया, और इसमें यह भी लिखा गया कि वेबसाइट जो है इल्म यूनिवर्सिटी की उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए, मतलब वो ना चले, पर फिर भी वो अभी एक्टिव है इसके अंदर। और अभी अगर कोई भी इल्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चलती है तो वो फेक ही मानी जाएगी, फेक है वो वेबसाइट, आप उस पर ट्रस्ट बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि यूजीसी पर भी इसके बारे में कोई भी ऐसा अपडेट आपको देखने को मिलता नहीं है। अभी जो सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी आई, इसका जो पूरा ट्रस्ट है, ट्रस्ट भी अलग है, इसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अलग है, जो लोग हैं वो सभी अलग है। पिछली जो इलम यूनिवर्सिटी थी उसके स्टाफ से, मैनेजमेंट से, ट्रस्ट से इनका अब कोई लेना देना नहीं है। और साथ में ही जो अब नया स्टाफ आया है, रिकॉर्ड्स इनके पास जरूर है इलम यूनिवर्सिटी के, और साथ में ही वेरिफिकेशन जरूर यही लोग कर रहे हैं। बट और भी ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए आपको यूनिवर्सिटी अप्रोच करना चाहिए। अगर आप इलम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आप रहे हैं, सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी आप जाके विजिट करें, जाके इनके स्टाफ मेंबर से मिलें, या फिर वीसी साहब या रजिस्ट्रार साहब को अप्रोच करें, आप उनसे भी सवाल पूछेंगे, आपको जवाब जरूर मिलेंगे। इस यूनिवर्सिटी के पास फिलहाल के लिए अगर हम अप्रूवल्स की बात करें, यूजीसी का अप्रूवल है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, जो यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर डाला है हम उसकी बात कर रहे हैं, साथ में यूनिवर्सिटी के पास आरसीआई का अप्रूवल है, LLB कराने के लिए बार काउंसिल और AICT, ये सब यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर डाला है कि हमारे पास ये अप्रूवल्स हैं, हम इन सब के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आप अगर इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो यहाँ कैंपस जो बना हुआ है वो कामरांग नामची में है, ये साउथ सिक्किम जगह पड़ती है, वहां पर यहाँ है। और हालांकि एक नंबर भी दिया है, हालांकि इस नंबर से रिस्पॉन्स आपको कभी मिलेगा नहीं सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी में भी अगर आप कॉन्टेक्ट करते हैं। एक डिटेल वीडियो हम लेकर आएंगे, क्या कहता है वो इलम यूनिवर्सिटी का ऑर्डर जिसमें डिसॉल्व किया गया इस यूनिवर्सिटी को, और क्या कहता है सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी का वो ऑर्डर जिसमें फॉर्मली करके इस सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिया गया। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स तो है यूजीसी पर यहां पर दिखाता है कि ये जो सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी है ये 28 अगस्त 2021 में ही यूनिवर्सिटी ये बनी है, पर यहां इल्म की कोई डिटेल्स यहां मेंशन नहीं है। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है इल्म यूनिवर्सिटी को लेकर या फिर सिक्किम अल्पाइन यूनिवर्सिटी को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर पूछें, हो सकता है हम आपकी उसमें कोई मदद कर पाएं। और किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज पर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, या फिर इल्म यूनिवर्सिटी के बारे में और आप क्या क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और नेक्स्ट वीडियो हम उसी पर लेकर बहुत जल्द आएंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको ये लगा होगा, अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को एजुकेशन रिलेटेड अपडेट रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।